हज़रत सुल्तान बाहू होरा अपनी शायरी के जरिए पंजाबी जबान विच मारिफत दे फुल खिड़ाए ने। आला इंसानी कदरां दा प्रचार, बातिन दी सफाई ते कामिल मुर्शिद दी निशानदेही ते जोर दिता है, जिहड़ा मन विच इश्क दी बूटी लांदा है। उन्हां दी शायरी अंदर इश्क दी तड़प, हुब्बे रसूल, दुनिया तो बेजारी, आखिरत दा डर, मुर्शिद दा अदब ते हकीकत ए ऊला दी तलाश वर्गे मजामीन मिलदे ने। तलाश दा ए मुश्किल पंथ इश्क दे सहारे बगैर मुमकिन नहीं। उन्हां दे नजदीक इश्क ई ओ रोशनी है जिहड़ी सालक दे जाहिर ते बातन नूं रोशन कर दिंदी है। पर इश्क दे औखे सफर विच किसे कामिल मुर्शिद दी रहनुमाई बहुत जरूरी है। ओ आखदे ने, इश्क सुखाला जे हुंदा बाहू सभे आशिक बणदे हू। एक होर थां ते कहंदे ने, इश्क जिन्हां दी हड्डी रचिया ओ फिरदे चुप चुपाते हू। लूनू दे विच लख जबाना ओ करदे गुंगी बाते हू। हज़रत सुल्तान बाहू इश्क नूं ईमान तो भी ज्यादा कीमती शै समझते ने। उन्हां दे नजदीक रब इबादतां करन नाल नहीं मिलदा, बल्कि इश्क करन वालियां नूं अपना दीदार करांदा है। जे रब मिलदा नहातियां धोतियां, मिलदा डडुआं मच्छियां हू। रब उन्हां नूं मिलदा बाहू नीतां जिन्हां दियां अच्छियां हू। बाहू होरां सच्चे आशकां दी अजमत ते इश्क विच बीतन वालियां कैफियतां नूं बड़ी महारत नाल पेश कीता है। उन्हां दे ख्याल मुताबक इश्क दे बगैर फकर हथ नहीं आउंदा। सालक इश्क विच जान मार के ही फकीर बन सकता है। सुल्तान बाहू दे बकौल इश्क ते फकर दा सफर मुर्शिद दी रहनुमाई बगैर तय नहीं हो सकता। वो अपनी शायरी विच मुर्शिद दा जिक्र बड़े एहतराम नाल करदे ने। वो साह साह नाल अपने मुर्शिद नूं पुकारदे ने। अपने मजमूए दे पहले बंदे पहले मिसरे अंदर जिथे वो अल्लाह दी जात नूं चंबे दी बूटी आखदे ने, उथे वो ए वी एतराफ करदे ने कि ए चंबे दी बूटी मन विच लामण वाली मुर्शिद दी जात है। सर दीवाजी ला
अलाविच ओ मस्ताना I'm not afraid.